तो हम लोग रेडी हो गए हैं और अब ब्रेकफास्ट के लिए निकलते हैं। सब तैयार हैं और ये रही अनायका। अनायका से गुड मॉर्निंग। कुछ समझ आता है तुझे क्या चल रहा है? कुछ समझ आता है तुझे? कुछ समझ आता है? मस्ती के मूड में अभी एकदम, मतलब सेकंड्स में उसका मूड चेंज हो जाता है। रिजॉर्ट होते हैं, आइलैंड रिजॉर्ट होते हैं, तो अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 3-4-5 रेस्टोरेंट होंगे। एंड देन आप खाना तो खाने के टाइम एक्सप्लोर कर ही लेते हो और रिजॉर्ट भी थोड़ा बहुत घूम लिया, बट देन यू आर जस्ट हेयर टू रिलैक्स। हाँ, जैसे अगर तुम ज़्यादा दिन के लिए आ रहे हो और तुम्हें वाटर स्पोर्ट्स भी करने हैं, और बहुत कॉस्टली होता है। और मम्मी लेके आई हैं मिंट क्यूकम्बर वाटर। वैसे हम बैंगलोर में भी दिन की शुरुआत ऐसे ही करते हैं, वेरियस टाइप ऑफ वाटर से इन्फ्यूज वाटर। तो ये है, और मम्मी साथ में लेके आई है वाटरमेलन जूस, फ्रेश वाटरमेलन जूस। मैं सोच रहा हूँ मैं अपने लिए बेक बीन सार्डो टोस्ट ऑर्डर करूँ, क्योंकि मस्त दिख रहा है। बेल्जियन वॉफल भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो अनायका का भी खाना आ गया है, पपाया प्यूरे। बनाया तो सही है। मेरी तो ऑर्डर, क्या ऑर्डर किया आज? और ऑर्डर किया है आलू पराठा। कल मैडम ने किया था पनीर पराठा, आज है आलू पराठा। मम्मी अपना हेल्दी खाना इंजॉय करते हुए। तो मैंने ऑर्डर किया था बेक बीन्स ऑन सार्डो टोस्ट, करके वापस आ गए हैं। और फॉर्चुनेटली अभी धूप बहुत कम है, इट्स टू ब्राइट, आंखें भी नहीं खुल रही हैं, बट धूप नहीं है और थोड़ा सा अच्छा वेदर हुआ है, तो हम लोग बीच पे ही पास कर रहे हैं। आज थोड़ी वेव्स ज़्यादा रिग्रेस हैं, बहुत ही ज़्यादा हैं, क्योंकि बहुत लोग बाहर आ गए नहीं तो इस टाइम पे, और लंच के बाद कोई मिलता नहीं है। सब लोग ज़्यादातर अपने विला में ही प्रेफर करते हैं रहना। तो अपनी रूम की ओर प्रस्थान करते हुए अभी हमको जल्दी से सब पैक करना है। वैसे हमने मेजॉरिटी चीज़ें कल पैक कर ली थी, बट थोड़ा बहुत अभी भी पैक करना है, बिकॉज हमें शिफ्ट करना है वाटर विला में। मैं थोड़ी देर बाहर आ गया, अभी थोड़ा शिफ्टिंग में आधा घंटा और है। बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था वेव्स का, तो मैं देखने आया बाहर क्या माहौल है। सब लोग सो रहे हैं, अनायका सो गई है, थोड़ी देर मम्मी रेस्ट कर रही है। मैं आपको दिखाता हूँ कितना भयंकर रिग्रेस फ्लो चल रहा है वेव्स का, इतना सुंदर है ना, कलर देखो आप। ये प्लेटफॉर्म है जो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ तक पूरा पानी आ रहा है। नायका भी उठ गई है जैसे मैं आया, मैं देखा ये भी जाग गई है, तो फिर क्यों ना इसे भी हम बीच पे लेके जाएं। अभी तो नायका बिल्कुल चुपचाप शांति से देख रही है, क्या आवाज़ आ रही है वेव्स की, तो ज़्यादा पास नहीं लेके जा रहे हैं। सो वी आर फाइनली चेकिंग आउट फ्रॉम आर बीच विला। बाय बाय। Now we'll head towards our water villa and show you that. Water villa की तरफ जा रहे हैं हम लोग। अभी उन लोगों ने हमको दिया है 102। तो basically हमारा beach villa था ये। ये हैं restaurants सारे, leaf bar, ये open the grill, यहाँ कल खाना खाया था Mexican, 102। तो यही प्रॉब्लम है, क्योंकि ये जो एरिया है अगर अच्छा व्यू नहीं हुआ then we might have to get it changed. Let's see. We have reached to our water villa. Let me give you a quick tour. 102 number है, हमने पास वाला लिया है क्योंकि यहाँ से रेस्टोरेंट वगैरह बहुत नज़दीक हैं, तो रेस्टोरेंट इधर ही हैं सारे। और अनायका के साथ क्या है ना, ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा लेके गोद में उसको। तो ये है 101 102। सारे वाटर विलाज ना ऐसे पानी के इधर बने रहते हैं, यू कैन मेक लाइक मे मी शो यू, ऐसे पिलर्स रहते हैं, तो ऐसे डरने का कुछ है नहीं सीन। हम लोग लास्ट टाइम भी वाटर विला में रुके थे, बहुत बढ़िया था। यूजुअली वाटर विला का एक रैंप होता है और वहाँ पर, ये एक ही आइलैंड पे बना हुआ है ना, तो यहाँ से ईजिली एक्सेस है, रैंप नहीं है। तो वी आर हियर, दिस इज आवर वाटर विला।
एंट्रेंस में, यहाँ पे है आपका पूरा लगेज रखने का। वैसे यूजुअली दिस इज अ वर्क टेबल, पर हमने यहाँ पे लगेज रखा, हमारे पास सामान बहुत है। दिस इज द वॉशरूम, आई शो यू। ये पूरा यूनिट है, यहाँ पे अंदर अगेन द सेम मिनी बार, मिनी बार ओपन इधर से होगा, सेम मिनी बार, डिफरेंट चॉकलेट। देखिए इन लोगों ने कॉफ़ी मशीन एंड कॉफ़ी रिफिल्स भी दिए हैं। लेट मी शो यू द बाथ एरिया। ये विला से कंपैरेटिवली बहुत बड़ा है। सेपरेट शावर एरिया, बेसिन एंड बिग पूल, और यहाँ से बेस्ट चीज़ है एक्सेस टू द आउटर डेक। तो यहाँ से आप सीधे आउटर डेक पे जा सकते हैं। अब मैं यहाँ का खास बात दिखाता हूँ, ये देखिए, एक आउटडोर शावर है जैसे बीच विला में था। यूजुअली अभी तो स्ट्रॉन्ग करंट्स हैं, नहीं तो आप यू आर एक्चुअली अलाउड टू गो डाउन, बट यस आपको लाइफ जैकेट पहनना पड़ता है, यू शुड वेयर इट। एंड यहाँ पे एक ट्यूब भी दिया है सेफ्टी पर्पसेस के लिए, इन केस इमरजेंसी इज देयर। तो ऐसा है, यहाँ पे सनबेथ करने के लिए डेक है एंड छोटा सा कॉर्नर है, कॉफ़ी कॉर्नर, विच इज़ प्रीटी क्यूट। और मैं आपको बता रहा था कि यहाँ से बाथरूम से एक्सेस है, तो ये है वो एरिया जो बाथरूम से एक्सेसिबल है, सो यू कैन एक्चुअली गो इनसाइड फ्रॉम हियर। तो यहाँ से भी जा सकते हैं। बेसिकली लेट्स से अगर आप पानी से सीधे आ रहे हैं, यू डोंट वांट टू ब्रेक द फ्लोर इनसाइड द विला, तो आप डायरेक्टली बाथरूम एक्सेस कर सकते हैं। क्लोथ हैंगर है एंड इस वाली प्रॉपर्टी में वाटर विला सारे सेम हैं, सो देयर इज नो सेपरेशन की पूल और हैमक और एनीथिंग, बट ये ऐसा है। बट इतना सुंदर है, मैं आपको क्या ही बताऊं, कैमरे में आई डोंट नो वेदर इट्स जस्टिफाइंग और नॉट, बट ये बहुत सुंदर है। हम लोग कंटिन्यू करेंगे बोकरा में ही आज लंच, कुछ थोड़ा डिफरेंट खाने का सोच रहे हैं। और मुझे ये भी चेक करना है कल का क्या सीन है। तो मैंने बोला था हम लोग यहाँ रुक रहे हैं एक्स्ट्रा नाइट, बट चेंज ऑफ प्लान्स, एक्स्ट्रा नाइट यहाँ नहीं रुक रहे हैं, हम दूसरे रिजॉर्ट जा रहे हैं, बट वो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो हम लोग अभी लंच करने आए हैं। अनायका बहुत ज़्यादा क्रैंकी है अभी, क्योंकि उसका सोने का टाइम, उसको सोने नहीं मिला बिकॉज ऑफ विला शिफ्टिंग, और इसलिए उसको अब हम एंटरटेन कर रहे हैं, इससे वो रोए ना। और अब ऑर्डर करना है क्विकली बिकॉज लंच क्लोजिंग टाइम है, 2:30 हो गया है यहाँ पे, तो जल्दी जल्दी ऑर्डर करते हैं। दिस इज़ द बेनिफिट व्हेन यू स्टे इन ताज, आपको इंडियन खाना तो अच्छा मिलेगा ही। तो मैंने ऑर्डर किया है पापड़ी चाट, और मम्मी ने ऑर्डर किया है दाल तड़का, भिंडी प्याज़ा और राइस। तो हमारा बाकी का खाना भी आ गया है, हमने ऑर्डर किया था लच्छा पराठा, बटर गार्लिक नान, हरा भरा पेशावरी, पनीर का कोई डिश लग रहा है, और मस्त बिरयानी। और अनायका खा के सो गई यहीं पे, हमें पता भी नहीं चला,
इसका क्लीन कर रहे थे और देखा इसको बहुत बीमारी, तो अभी तो भी रूम की तरफ ही जा रहे हैं, विला की तरफ, क्योंकि उसको जल्दी से सुला दें। मैं क्या करता हूँ, कर्टन्स लगा देता हूँ। डेजर्ट भी खाया, गुलाब जामुन था और चॉकलेट वॉलनट आइसक्रीम, वो भी था, मस्त था। मम्मी का बटर मिल्क है, हनाइका सो गई थी तो मम्मी उसको लेके गई है, मम्मी अंदर विला में ही हैं और अभी मम्मी को बटर मिल्क देते हैं। अभी वेदर अच्छा हो गया है तो रितु और मैं सोच रहे हैं थोड़ा टाइम स्पेंड करें, घूमें इधर। रेयरली अभी तो ऐसा मौका नहीं मिला है कि थोड़ा ऐसे इधर उधर घूमने का टाइम, वो सो गई है जल्दी, तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि एक्सप्लोर किया जाए। सारे विलास हैं इधर, मैंने बताया था कुछ 20 विला है, आई थिंक सो 20 या 30, और फिर एंड में एक मेन प्रेसिडेंशियल जैसा स्वीट होता है, वैसे प्रेसिडेंशियल विला है फुल फैमिली के लिए। पूरी ट्रिप में मैं सोचता ही रह गया कि फिटनेस सेंटर जाएंगे, जिम जाएंगे, पर खा खा के जिम ही रहे हैं, जिम हो नहीं पा रहा है। लेट मी शो यू, यहाँ पे है जिम कैसा है। एक्सप्लोर करते करते जो आइलैंड का एक कॉर्नर है जहाँ पे सारे बीच बंगलो और वाटर विलास ख़त्म होते हैं, वहाँ पे हमको एक बहुत बढ़िया डेक मिला है, ओपन डेक सा है, मस्त, मतलब अल्टीमेट व्यू है यहाँ से। और बहुत सारे क्रैब्स देखने को मिले हैं, लेट मी ज़ूम इट, ये देखिए ये सारे क्रैब्स हैं, सुस्ता रहे हैं सब खा के। हाई टाइड है आज, क्रैब्स और अभी हमको मिनी शार्क्स दिखे थे यहीं से जाते हुए, दो मिनी शार्क। हाँ, मम्मी बहुत देर से वेट कर रही है कि उनको दिख जाएं, लेकिन अब दिख नहीं रहे हैं। लुक एट द सनसेट फ्रॉम हियर। एक और शॉक, तो फिर हमने और शार्क देखी, बेबी शार्क, और मम्मी कोशिश करती रही कि उनको मिले वीडियो, लेकिन नहीं मिला। फिर हमने बहुत सारी फोटोज ली हैं, इतना बढ़िया सनसेट व्यू है। यहाँ नायका मस्ती कर रही है, बहुत कोशिश की कि हैट पहन ले और इसका गॉगल पहन ले, लेकिन मजाल है इसने एक सेकंड के ऊपर इसको रखा हो, क्यों नायका जैन, पर नहीं। और हम हो गए तैयार और अब हम जा रहे हैं डिनर के लिए। तो आज हमारा यहाँ इस रिज़ॉर्ट में लास्ट डिनर है, कल हम लोग शिफ्ट करेंगे। मैंने आपको दोपहर को बताया था कि हम लोग नए रिज़ॉर्ट जा रहे हैं, लास्ट मिनट प्लान बना, इसकी अलग मस्ती चल रही खाना खा के। काट लो मम्मी को, काट लो। वेजिटेबल स्लाइडर है, चिली पनीर मंगाई है, फिर ये है रिसोटो, डेजर्ट भी ऑर्डर कर दिया है। क्या है ये, कैरेट केक। सब कुछ खा लिया था, कुछ भी समझ नहीं आया कि क्या बचा है, हमने से यही बचा है, कैरेट केक खाते हैं मम्मी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कल का व्लॉग बहुत एब्रप्टली बंद किया था, तो खाने के बाद डिनर विनर करने के बाद हम लोग फटाफट विला में आ गए थे एंड देन वी ऑल स्लेप्ट। फिर हमारा नेक्स्ट पिकअप है दूसरे रिजॉर्ट के लिए, बट आप देख सकते हो सुबह कितना बढ़िया व्यू आता है यहाँ पे, अलग ही बात होती है मालदीव की।